परी उपकारी मिलन हसन दे मिलन हसन दे परी उपकारी मिलन हसन दे मिलन हसन दे परी उपकारी मिलन हसन दे मिलन हसन दे पवजली अंदर बोहे ते पवजली अंदर बोहे ते इकस पिछे लाख तरन दे इकस पिछे इकस पिछे इकस पिछे लाख तरन दे लाख तरन दे परी उपकारी परी उपकारी परी उपकारी मिलन हसन दे मिलन हसन दे गुरमुख मन परगास है गुरमुख मन परगास है पिरम पियाला अजर जरन दे
धर्म पियाला 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 पिरम पियाला पिरम पियाला पिरम पियाला पिरम पियाला अजर जरन दे अजर जरन दे पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म ब्रह्म बबेकी ध्यान धरन दे ब्रह्म बबेकी ब्रह्म बबेकी ब्रह्म बबेकी ब्रह्म बबेकी ब्रह्म बबेकी ध्यान धरन दे ध्यान धरन दे पर उपकारी पर उपकारी पर उपकारी मिलन हसन दे मिलन हसन शब्द सूरत लिवलीन हो शब्द सूरत लिवलीन हो अकथ कथा गुर शब्द सुनन दे अकथ कथा अकथ कथा गुर शब्द सुनन दे गुर शब्द सुनन दे पुत पविखो वरत मान पुत पविखो वरत मान अब गत गत अति अलख लखन दे अब गत गत अब गत गत अब गत गत अत
अलख लखन दे, अलख लखन सारे जप पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी, मिलन हसन दे, मिलन हसन गुरमुख सुख फल अच्छल छल, गुरमुख सुख फल अच्छल छल, भगत वछल कर अछल छलन दे, भगत वछल, भगत वछल कर अछल छलन पव जली अंदर बोहे थे, पव जली अंदर बोहे थे, इकस पिछे, इकस पिछे सारे जप, इकस पिछे लाख तरन दे, लाख तरन दे, पर उपकारी, पर उपकारी, पर उपकारी, मिलन हसन दे, मिलन हसन सारे जप परि उपकारी, परि उपकारी, परि उपकारी, मिलन हसन दे, मिलन हसन संदे, पर उपकारी, जिथे भी मिलते हैं मुस्कुराते चेहरे नाल, खिड़े हुए चेहरे नाल, हमेशा आप खिड़े रहते हैं
ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖੇੜੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ ਪਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਪਰ ਆ ਵੇਖੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਐਸੇ ਹਨ ਇਹ ਫੁੱਲ ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਐਸੇ ਹਨ ਇਹ ਫੁੱਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬੂਟੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਵੰਡਦੇ ਵੰਡਦੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਗਏ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਗਏ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਉਪਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਲਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਲਾ ਬਣ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵੰਡੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਹੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰ ਹੀ ਤਾਂ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਖੁਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭਲਾਈ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਭਲਾ ਬਣੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੀ ਨਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਵੀ ਨਾ ਭਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣ ਪਰ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਈ ਭਲਾ ਬਣ ਲੇਕਿਨ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਉਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪਈ ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਫਿਰ ਵੀਰ ਫਿਰ ਭੈਣ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ
तिसै भलाई निकट नावै, तिसै भलाई निकट नावै। कहिंदे जिहड़ा अपने आप नूं भला भला कहावे उस दे नेड़े भलाई नहीं आउंदी, पर पकारी आप गवाए ना आप गणावे। आखो सारे सतनाम श्री। ओ अपने आप नूं कुर्बान करके भी गणाउंदा नहीं। हुण अगला सवाल यह आउंदा है, भला किवें बने? पर उपकारी उपकार करता है, पर ये गुण उन्हां नूं ही मिलते हैं जिन्हां दे मन ऐसी मत दे अगे नीवे हो जाते ने, जेड़ी मत सब तो श्रेष्ठ, सब तो उच्ची, जेड़ी मत है ही परोपकारी मत। आखो सारे सतनाम श्री। असी अरदास करते हैं नित, मन नीवा मत उच्ची, मत दा राखा आप वाहिगुरु। हमेशा ही मन नीवा होना चाहिए उच्ची मत दे अगे। ते उच्ची मत ओ है जिसका मालिक, जिसका खसम आप वाहिगुरु है। सचमुच ओ ही भलाई कर सकता है, भला ओ ही कर सकता है जिसका मन ऐसी मत दे अधीन रहिंदा है, ऐसी मत तो सिख्या ग्रहण करता है, ऐसी मत तो जीवन दी जुगत सिखदा है। जेड़ी मत परोपकारी है वह है परोपकारी मत गुरु दी, सतगुरु दी। आखो सारे सतनाम श्री। वह है गुर मत। जे गुरमत ले ली, मैं सच कह दिया सानू जीवन जीउंदे होए जे गुरमत ले ली, गुरु की मत मुताबक जीना सीख लिया तो साड़ा आना भी सफल हो जाएगा। जे गुरु की मत नाल जीना सीख लिया तो साड़ा जीना भी सफल हो जाएगा। जे गुरु की मत नाल असी जीना सीख लिया तो असी जीउंदे जी ही अपना मरना भी सफल कर जावांगे। आखो सर सतनाम श्री। देखो अपना मरना आप सफल कर जाना। मैं ये भी गल कह दिया, मरिया कौन है ते जीविया कौन है? एवें आपां अपने आप नूं ना कही जाइए असी जीउंदे हाँ। ते सोचो फिर मरिया कौन है ते जिंदा कौन है? मरिया कौन है ते जिंदा कौन है? मैं सच कह कौन जीवे है? आप पंक्ति पढ़ के वेखो समझ आ जाएगी। सो जीवे सो जीवे जिस मन वसिया सो जिस मन वसिया सो। ते फिर मरिया कौन है? इस तो बिना सारे मरे हुए ने। मैं नहीं कहता, साहिब ने कहा नानक अवर ना जीवै को, नानक अवर ना जीवै को, ए नानक अवर ना जीवै को। सारे जपो नानक अवर ना जीवै को।
नानक अवर ना जीवै कोए, नानक अवर ना जीवै। हुण इस जगत नूं अपनाउण वास्ते गुरमत, गुरु दा ज्ञान, गुरु दी सिख्या, जे गुरु दी सिख्या लैके जीना सिख गए ना, जो गुरु नूं पौंदा है उस मुताबक जीना सिख गए ते आउणा सफल हो गया। अज तुसी यादां मनाउंदे हो ना जिन्हां ने जीवन सफल कीता है, अपना मरना सफल कीता है, तो समझो फिर उन्हां दा जन्म भी सफल हो गया। आखो भाई जी किवें कहिंदे ने उन्हां दा जन्म सफल होया, आओ पढ़ी। आया तिना का सफल है, आया तिना का सफल है, जो चाले सतगुर भाए, जो चाले सतगुर भाए, कुली उधारे अपना, कुली उधारे अपना, तन जने दी माए, तन जने दी माए, माए तन जने दी माए, तन जने दी माए, माए तन जने दी माए, तन जने दी माए, माए तन जने दी माए, तन जने दी माए, माए तन जने दी माए, तन उन्हां नूं जन्म देण वाली मां भी तन, जीना किन्हां दा सफल, किन्हां दा जीवना सफल, जीवन सुन हर जप जप सद जीव, ते मरना कौन सफल करके जीउंदिया है उन्हां बारे दस, किन्हां दा सफल होया जेड़े परोपकारी जीवन जीउंदे हुए, जीउंदे जी ही परमेश्वर दी याद, परमेश्वर दी खलकत लई, उन्हां दे प्यार लई, उन्हां लई कुर्बान हो गए। आखो सारे सतनाम श्री किवें कहिंदे ओ सफल करके, ओ अपने जूंदे जी अपना मरना भी सफल कर गए, किवें कहिंदे ने जेकर साहिब मनो ना विसरे, 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 तो सेना मरना होए, तो सेना मरना होए, तो सेना। हुण इन्हां दे दर्शन करो कि कैसे होणगे। भाई गुरदास जी छेवीं वार दी एक पौड़ी विच कह गए, आखो भाई को बेनती करा एक वार च कह गए, वाहिगुरु चौदवीं वार दी पौड़ी च दस भुल गया, चौदवीं वार किवें कहिंदे ने एक प्रमाण देंदे ने, प्रमाण एक वृक्ष दा दे के समझाउंदे ने परोपकारी दा जीवन किवें कहिंदे ने, आओ पढ़ी।
आप सहन दे दुख, आप सहन दे दुख दुख, आप सहन दे दुख जग वरसाया, जग वरसाया। बोलो आप सहन दे दुख, आप सहन दे दुख, आप सहन दे दुख जग वरसाया, जग वरसाया। एक वृक्ष की मिसाल देंदे ने, आ वेखो वृक्ष नूं कह रहे, आप दुख सहंदे ने पर जगत नूं वरसाउंदे ने, अपने आप नूं कुर्बान कर जांदे ने जगत नूं खुशियां दे जांदे ने। आप दुख सहंदे ने, आ वेखो सरदारियां सरदारां नूं दे जांदे ने। आखो सर सतनाम श्री हो, आप ततियां तवियां ते बैठते ने, चरबी टालते ने, खेड़े आ सिख सेवक परिवारां नूं दे जांदे ने। आखो सारे सतनाम जी, अपने सरबंस कुर्बान कर जांदे ने ते समुची मनुखता दे भले नूं देख के अपने आप नूं कुर्बान सरबंस कुर्बान कर जांदे ने। लेकिन अरदास विच इहो कहिंदे ने, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत का फला। आखो सारे सतनाम जी, वृक्ष की मिसाल देख के कहते ने, धरती उत्ते रुख रुख, धरती उत्ते रुख सिर तलवाया, सिर तलवाया, धरती उत्ते रुख, धरती उत्ते रुख सिर तलवाया। कहते वृक्ष तो वेखो इहो लगता है वृक्ष दे पैर उपर ने ते सिर हेठ है। आखो सारे सतनाम श्री, किसी वृक्ष नूं देखो ना उपर उपर जा रहा है, पैर उपर सिर हेठा। आ देखो वृक्ष की, सिर तलवाया उल्टा, किवें कहिंदे, धरती उत्ते रुख रुख, धरती उत्ते रुख सिर तलवाया, सिर तलवाया। फिर की कहते, वट्टे खांदे ने ते देखो फल सुटदे ने, फल देंदे ने, वट्टे खा के भी फल देंदे ने। आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरु, आ परोपकारी जीवन वट्टे खा के भी फल देंदे ने। लोकी वट्टे मारदे ने ते वट्टियां दी बजाय को खाण नूं फल देंदे ने। आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरु, फल दे लाहिन पुख, फल दे लाहिन पुख, फल दे लाहिन पुख वट वगाया, वट वगाया। आप सहन दे दुख, आप सहन दे दुख, आप सहन दे दुख जग वरसाया, जग वरसाया। आज तुसी आजादी का निग माण रहे हो ना, ये उन्हां दी दित्ती हुई इच्छाओं है जिन्होंने कुर्बानियां कीतियां ने। आखो सारे सतनाम श्री, अज साडे घरां च खेड़े ते खुशियां ने ना,
ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਛਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਕਣੀ ਛਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਨ ਪਰਚਾਇਆ, ਮਨ ਪਰਚਾਇਆ। ਭੈਣੋ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੱਢਣ ਆਏ ਮਨੁੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੱਢਣ ਆਏ ਮਨੁੱਖ, ਵੱਢਣ ਆਏ ਮਨੁੱਖ, ਵੱਢਣ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਆ ਪਛਤਾਇਆ, ਆ ਪਛਤਾਇਆ। ਵੱਢਣ ਆਏ ਮਨੁੱਖ, ਵੱਢਣ ਆਏ ਮਨੁੱਖ, ਵੱਢਣ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਆ ਪਛਤਾਇਆ, ਆ ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ, ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਣ ਕੋ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ, ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਨਮੁੱਖ, ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਨਮੁੱਖ, ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਨਮੁੱਖ ਪਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਪਾਣਾ ਪਾਇਆ। ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਸਨਮੁੱਖ, ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਦੁੱਖ ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ, ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ, ਆਪ ਸਹੰਦੇ ਦੁੱਖ ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ, ਜਗ ਵਰਸਾਇਆ। ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਹਸਨ ਦੇ, ਮਿਲਣ ਹਸਨ। ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ
जिस साहिब का नमक खांदे ने ना वो नमक हरामी नहीं करते। आज बंदा बंदे का बंदा तो बन रहा है पर साहिब का बंदा नहीं रहा। आखो भाई दुख का कारण यह है, बंदे का बंदा तो दुख पाएगा पर कोई साहिब का बंदा बन के वेखे सुख ही सुख। साहिब का बंदा साहिब का नमक खा के पिट नहीं दिखाता। आखो भाई भाई गुरदास जी ने बहुत सुंदर बचन कहे, आओ पढ़िए किवें कहिंदे। जाको लोन खई है ताको छोर कबू ना जई है। जाको लोन खई है ताको छोर कबू ना जई है। जेदा लून खाइए ना और छड़ के कदे ना जाइए। आखो सारे सतनाम श्री देखना छाती विच गोलियां तो खा लिए पर पिट ना दिखाइए। एक पितर बाणी च भी कहा साहिब संकट वै सेवक भजै चिरंकाल ना जीवै दो कुल न जाए। संकट दे समय सेवक दौड़ जाए पिट करके कि वह जिंदा रह जाएगा, यह लोग भी गवाएगा तो परलोक भी गवाए। परपकारी तां जे लून खांदे ने साहिब दा अपने आप नूं कुर्बान तां कर देणगे लेकिन छड़ के नहीं जाणगे। आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरु किवें कहिंदे। जाको लून खई है ताको छोर कबू ना जई है। जाको लून खई है ताको जाको लोन खाइए ताके आगे है वे जूझिए। जाको लोन खाइए ताके आगे है वे जूझिए। जाको लोन खाइए ताको छोर कबू ना जाइए। 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 जाको लोन खाइए ताके आगे वे जूझिए। जाको लोन खाइए ताके आगे वे जूझिए। जाको लोन खाइए ताको दगा कबू ना दई। जिदा लून खाइए ना उस दगा नहीं देना चाहिए। आखो सारे सतनाम श्री गदारी नहीं करनी चाहिए। कुर्बानी तो वही है ना जिदा लून खाइए उस लई कुर्बान हो जाइए। आखो जाको लून खाइए ताको दगा कबू न दई। जाको लून खाइए ताको दगा कबू न दई। सची सुन लइए ता सो साचू को लूजिए। सची सुन लइए ता सो साचू को लूजिए। जाको लोन खाइए ताको छोर कबू ना दइए। जाको लोन खाइए ताको छोर कबू ना दइए। जाको लोन खाइए ताके आगे वे जूजिए। जा
जाको लोन खाइए ताके आगे है जूझिए जाको लोन खाइए ताके आगे है साहिब दा बंदा चोरी ना कमाइया चोरी नहीं करदा चोरी ना कमाइया चोरी नहीं कमानी चाहिए चोरी ना कमाइया आप देवे सो भी बांट खाइए वो भी बांट खाइए चोरी ना कमाइया आप देवे सो भी बांट खाइए झूठ ना बनाइया झूठ ना झूठ नहीं बोली झूठ ना बनाइया झूठ ना बनाइया कछु लैबे को ना रूजिया कछु लैबे को ना रूजिया जाको लोन खाइए ताको छोर कबू ना जाइए जाको लोन खाइए ताको छोर कबू ना जाइए जाको लोन खाइए ताके आगे जूझिए जाको लोन खाइए ताके आगे जाको लोन खाइए ताको छोर कबू ना जाइए जाको लोन खाइए ताको छोर कबू ना जाइए जाको लोन खाइए ताके आगे में जूझिए जाको लोन खाइए ताके आगे में जूझिए रोस ना बढ़ी रोस नहीं नहीं कर रोस ना बढ़ी बुरी पाखे सो भी मान ली जड़ी गल ना चंगी लगी हुई वो मान ले रोस ना बढ़ी है बुरी पाखे सो भी मान ली रोस ना बढ़ी है बुरी पाखे सो भी मान ली चाकरी कमैया नाथ मोरी बात बूझिए चाकरी कमैया नाथ मोरी बात बूझिए चाकरी कमैया नाथ मोरी बात बूझिए जाक लोन खाइए ताको छोर कबू ना जाइए जाक लोन खाइए ताको जाक लोन खाइए ताके आगे जाको लोन खाइए ताके आगे जूझिए पर उपकारी पर उपकारी पर उपकारी मिलन हसंदे मिलन हसं थारे जप पर उपकारी पर उपकारी मिलन हसन दे मिलन हसन दे हुंदे विरले विरले ही थे हैन विरले ना ही कणे फैल फकड़ संसार उन्हां बारे भाई गुरदास किवें कह रहे हैं
गुरमुख पर उपकारी पर उपकारी पर उपकारी विरला आया विरला आया गुरमुख परि उपकारी परि उपकारी परि उपकारी विरला आया विरला आया गुरमुख सुख फल पाए सुख फल पाए सुख फल पाए आप गवाया आप गवाया गुरमुख सुख पल पाए सुख पल पाए सुख पल पाए आप गुरमुख आपा पाव नू मार के सुख फल पा लेंदे बेनती करा जिसने अपनी जूंदे मैं मार ली उस समझ लेना अमर हो गया जिसकी जूंदे मैं नहीं मरी वो जूंदे ही मर गया शरीर करके भी मर गया आत्मा करके भी मर गया जिसकी मैं नहीं मरी वो कदे परमेश्वर के पौ विच नहीं जिउंदा जेड़ा परमेश्वर के पौ विच नहीं जिउंदा वह कदे आपे नूं पहचान ही नहीं सकता आखो सारे सतनाम श्री आपे की पहचान उन्हां नूं है जिन्हां ने परमेश्वर के पौ विच रहना सीखिया ते परमेश्वर के पौ विच उही रहिंदे ने जिन्हां ने हों नूं मार लिया ते हो उन्हां दी मरी जिन्हां ने गुरु की सिख्या लैके गुरु के शब्द नूं कमा लिया आखो बंसरी वजदी सी वजदी गई वजाउण वाले वजाई गया सुनने वाले ने क्या बस कर थक गया होएगा पर बजाने वाला बजाई गया फिर सुनने वाले ने क्या तेन भुख लगी होएगी कुछ खा ले वो तो बंसरी बजाई जाता सुनता ही नहीं फिर किसी ने क्या तू पानी पी ले प्यास लगी होएगी वो बंसरी बजाई जाता सुनता ही नहीं हुण तां इहो लगदा है जिस नूं भुख नहीं प्यास नहीं जिस नूं आराम की इच्छा नहीं हुण तां इहो लगदा है बंसरी बंसरी वजाउण वाला नहीं वजा रहा बल्कि बंसरी वजाउण वाले नूं वजाउण लग पई जप सतनाम श्री भाई हुण इहो लगदा है कि बंसरी वजाउण लग पई वजाउण वाले नूं हुण बंसरी वजाउण वाला बंसरी नहीं वजा रहा बल्कि बंसरी वजाउण वाले नूं वजाउण लग पई वजाउण वाला जीरो हो गया वजाउण वाला जीरो हो गया बंसरी वजाउण लग पई वजाउण वाले नूं इउं लगदा किसी ने गुरु के शब्द की कमाई की कमाउंदा ही गया
गुरु शब्द की कमाई करदा गया गुरु शब्द नूं कमाउण वाला ऐ लगदा हुण गुरु शब्द की कमाई करन वाला गुरु शब्द नूं नहीं कमा रहा बल्कि गुरु शब्द कमाई कराउण वाले नूं कमाउण लग पिया। आखो सारे सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण ओह लगदा हुण गुरु शब्द कमाई कमाउण वाले नूं कमाउण लग पिया। आ वेखो गुरु शब्द कमाउण वाला गुर शब्द का ही रूप हो गया। आखो सारे सतनाम श्री। आ वेखो गुर शब्द कमाउण वाले दी मैं मर गई, आ गुर शब्द कमाउण वाले दी हम मैं मर गई, आ गुर शब्द कमाउण वाले दी मैं नेरी, गुर शब्द कमाउण वाला जीरो हो गया। हुण तां गुर शब्द रूप होके आप तां तरे ही तरे आ दूजिआं नूं भी तार गया। आखो सारे सतनाम श्री। गुर शब्द दी कमाई करके ही कोई होमे नूं मार दे। आखो वाहिगुरु। ते गुरमुख ने इस तरह कीता है। गुरमुख सुख फल पाए आप गवाया गुरमुख साकी शब्द सिख सुनाया साकी शब्द सिख सुनाया उत्तां साखियां ते शब्द फिर सुनाउंदा है। गुरमुख शब्द विचार गुरमुख शब्द विचार सच कमाया सच हृदय मु सच सच सुहाया सच सुहाया गुरमुख जन्म सवार जगत तराया जगत तराया गुरमुख परोपकारी विरलाया पर उपकारी अरे उपकारी अरे उपकारी मिलन हसन दे मिलन हसन दे। ऐसे परोपकारी जिन्हां दे मन गुरु दे ज्ञान करके सोजी विच हन, जिन्हां दे मना विच चानना है गुरु दा दित्ता होया, ओ गुरु दे ज्ञान दी बरकत नाल अजर पिरम दा प्याला पी के जर लेंदे ने।
ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵੇਕੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਲਏ ਨਾ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਹੰਕਰਣ ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਸਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਖੋ ਸਰ ਸਤਨਾਮ ਸੀ ਸੂਰਮਾ ਕੈਸਾ ਸੂਰਮਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਆਖੋ ਸਰ ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਗਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੜ ਵਕਤ ਆ ਜਾਏ ਵਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲੰਕ ਹੈ ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਕੈਸਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਔਰ ਪਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਲਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੋ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੂਝਦਾ ਵੀ ਆਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੁਜਾਪੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਲੜ ਮਰੈ ਸੁਜਾਪੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੁਜਾਪੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੁਜਾਪੈ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਸਿਰ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਵਰਿਆਮਾ
वरियाम सिंजा पै वरियामा वरियाम सिंजा पै लून साहिब दा खाए कै लून लून साहिब दा खाए कै लून साहिब दा रण अंदर लड़ मरे सुजा पे रण अंदर रण अंदर रण अंदर लड़ मरे सुजा पे लड़ मरे सुजा पे लड़ मरे सुजा लड़ मरे सो जापे तिस पिछे जो इस तरी तिस पिछे जो इस तरी थप ते शराप देवर शराप पोते पुत वडीरियन पोते पुत वडीरियन परवार सदार परापे पुत पोते पोते पुत वडीरियन पोते पुत वडीरियन पोते पुत वडीरियन पोते पुत वडीरियन परवार सदार परापे परवार सदार परापे लून साहिब दा खाए कै लून साहिब दा खाए कै लून साहिब दा खाए कै रण अंदर लड़ मरे सुजा पे 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 वक्त ऊपर लड़ मरे वक्त ऊपर लड़ मरे अमृत वेले शब्द अलापे अमृत वे शब्द अलाप शब्द अलाप साध संगत विच जाए कै साध संगत
साध संगत विच जाए कै साध संगत विच जाए कै हुमे मार मरे आप आपे हुमे मार हुमे मार हुमे मार मरे आप आपे मरे आप आपे मरे आप सारे बोलो लून साहिब दा खाए कै 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 रणी अंदर लड़ मरे रण अंदर लड़ मर सो जापे रण अंदर लड़ मर सो जापे लड़ मरना ते सती हो लड़ मरना ते सती हो गुरमुख पंथ पूरण परताप गुरमुख पंथ पूरण परताप पूरण परताप पूरन परताप सच सिदक सच पीर पछाप सच सिदक सच पीर पछाप सच पीर पछाप सच पीर सारे बोलो लून साहिब दा खाए कै लून साहिब दा खाए कै लून साहिब दा हिरण अंदर लड़ मरे सुजापे हिरण मरे सुजापे सच्ची गल राणे अंदर लड़ मरे सुजापे लून साहिब दा खाए कै परपकारी गुरु दी मत ते चलन वाला जिसने अपने भला करन दी जुगत सिख लई दूसरे दा भला करन वाला जेड़ा भला बनदा है भला कहौंदा नहीं ओ नमक हराम नहीं होंदा आखू वाहिगुरु ओ हमेशा ही सच्चे साहिब इको एक परमेश्वर की खलकत नू उस खलकत विच्चों उसे दा स्वरूप वेखदा है जिवें साहिब ने भी कहा साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह कहिंदे आओ मैं तुहानू कादर की पहचान करावा कादर की पहचान करवाते हुए कहते नानक सच दा तार शनाखत कुदरती आखो वाहिगुरु इस कुदरत विच ही कादर है आखो वाहिगुरु शनाखत कुदरती बलिहारी कुदरत वसिया आखो वाहिगुरु प्राकृति दे मंदिर विच सानू रहना ही पैंदा आखो वाहिगुरु प्राकृति दे मंदिर विच रहन वाले हो प्राकृति दे मंदिर विच खालक दी सजाई हुई खलकत विचों ही खालक नज़र आउंदा आखो वाहिगुरु
परमेश्वर की सजाई हुई सिरजना विच ही सिरजनहार है। ताइयों साहब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह बोले सी, हे परमेश्वर तेरिया हजारा ही अखा ने पर तेरी अपनी एक अख भी नहीं। सहस तब नैन नन्ना नैन है तोहे को, सहस मूर्त नन्ना एक तोही। तेरिया हजारा ही मूर्तां ने पर तेरी अपनी कोई मूर्त नहीं। आज जिन्हें तुसी देख रहे हो किस दी अखा ने अख उखाई, सब उसे दिया ने ना, पर आप तो निर्गुण स्वरूप है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੂਪ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇ? ਉਸੇ ਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖਲਕਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਹੋਰ ਵਰਤੇ, ਸਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਲੋੜ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤਕਰਾਰ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਲਈ ਫਿਰ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਫੜਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੋ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰਲਾ ਹੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਜੂਝਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੰਨਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਸਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਕਿੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜ ਪਵੇ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿਦ ਪਾਈ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਦੋਰ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਸਤੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਵਡਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸਦੀ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਫਿਰ ਵਡਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੋਤੇ ਪੁੱਤ ਵਡੀਰੀਆਂ ਵਡਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਲੇ ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਲਈ, ਕੌਮੀ ਪਿਆਰ ਲਈ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਤੀ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ, ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਇਸ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਇਹ ਹੋਮੇ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ। ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ, ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਮੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਾਰੇ ਸਤਨਾਮ। ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਚਿਖਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੜੇਗਾ।
चिंता दी चिखा विच कोई नहीं सड़ेगा। ये अज दा सब्जेक्ट छूण दा यतन कीता।